2023 गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन इज cot 2 थीटा into cot 7 थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल थीटा ठीक है cot 2 थीटा into cot 7 थीटा इज इक्वल्स टू 1 है देखो अगर हम क्या कर सकते हैं ये मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड दैट इज cot 7 थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cot 2 थीटा अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं हमारे पास एक रूल है अगर आपको पता हो तो 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा और एक और बात बच्चों याद करना cot 90 माइनस थीटा करते हो तो आपका आंसर 10 थीटा आता है एज वेल एज अगर आप 10 90 माइनस थीटा करते हो तो आपका आंसर cot थीटा आता है ये दो बातें आपको जाननी जरूरी है यहां पे 1 अपॉन cot 2 थीटा ऊपर लेके जाओगे दैट इज 10 2 थीटा अच्छा cot 7 थीटा इज 10 2 थीटा अगर हम इस 10 2 थीटा को 10 2 थीटा को cot में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा cot 90 माइनस 2 थीटा cot 90 माइनस 2 थीटा यहां पे cot 7 थीटा है चलिए cot 90 माइनस 2 थीटा अब देखो दोनों तरफ अगर cot है तो हम वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं तो 7 थीटा इज नथिंग बट 90 माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा को इधर ले आओ 7 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 दैट इज 9 थीटा इज इक्वल्स टू 90 इट इंप्लाइज थीटा इज नथिंग बट 10 अब सवाल यहां पे ये है कि थीटा की वैल्यू जो 10 है क्या एक्यूट एंगल लिखना क्यों जरूरी है जो 10 स्टैंडर्ड के ऊपर गए मतलब 11 12 के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो सोचे कि थीटा की वैल्यू 10 एक्यूट एंगल ऐसा स्पेसिफिक वर्ड उसने क्यों इस्तेमाल किया थैंक यू क्या बात है